अभी भी आपने सोशल मीडिया के थ्रू मुझे फोटो सेंड किया है। 2015 की बाढ़ में मुझे याद है, तकरीबन आधी रात को पांचना गांव से वहां पड़ोस में एक निवासी रहते हैं, उन्होंने फोन किया, कार्यकर्ता थे कि साहब बांध में दरारें आ रही हैं, किसी भी वक्त बांध फूट सकता है। एमएलए साहब ने उस बात की तस्दीक करवाने के लिए वहां के पटवारी को बोला कि जाके ये कंफर्म करो कि इस तरह की दुर्घटना हो सकती है, क्या बांध टूट सकता है, क्योंकि बांध उस बांध के डूब क्षेत्र में काफी बड़ा क्षेत्र आता था, पथमेड़ा, जाजूसरण, प्रतापपुरा, सांचौर, फिर आगे आमली। या अभी मैंने बात की कि जाजूसरण और पथमेड़ा के भी लोग थे, पटवारी साहब ने बोला कि साहब दरार आ रही है और किसी भी वक्त ये बांध टूट सकता है। उसी वक्त रात को आपने लोगों ने सुना भी होगा कि सारी रात वो विधायक जी अपनी गाड़ी पर अपनी माइक लगे रहते हैं, सारी रात उन्होंने लोगों को आगाह किया कि किसी भी वक्त पानी आ सकता है, आप सचेत हो जाओ, ऊंचे स्थान पर जाओ। हालांकि ये उनकी जिम्मेदारी थी, ये उनका कर्तव्य है, किसी भी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि जब क्षेत्र में कोई बड़ी परेशानी आए तो उसको सजग रहना पड़ेगा। उनका कर्तव्य था, उन्होंने निभाया, पूरी रात उन्होंने माइक से वो घड़ी पे चलाया, व्यापारियों को आगाह किया कि सुबह जल्दी तक पानी आ जाएगा, आप अपना जो कीमती सामान है वो दुकान से निकालो। हमारे नगर सेठ जी भी यहाँ मिराज है, इनको भी ये पूरी जानकारी है, जिम्मेदारी थी, उन्होंने निभाई। 2017 में भी ऐसी विपदा आई, तभी वो आपके बीच में खड़े थे, कई जगह ज्यादा पानी था, रास्ता रोक गया तो पानी को भी पार करके गए। आपके साथ में रहने का जरूरत ये थी कि कम से कम आपको लगे कि आपके दुख में आपका जो जनप्रतिनिधि जिसको आपने चुन के भेजा वो आपके साथ में खड़ा है, और प्रशासनिक अधिकारियों को भी लगे कि इनका नेता इनके साथ में खड़ा है, तो कम से कम इनको तकलीफ, बड़ी तकलीफ गुजरी दोनों सालों में। बहुत सारा पथमेड़ा अपनी गौशाला में बहुत ज्यादा गोवंश की हानि हुई बांध टूटने की वजह से, गोवंश को पहले ही सरकार ने अनुदान में कटौती कर दी, काफी चिंतनीय हालत थी, उसके ऊपर बाढ़ में काफी सारे गोवंश की हानि हुई, बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ी। लेकिन अब लग रहा है वापस राजस्थान में एक सुनामी, एक लहर निकल रही है, जो 5 साल की जो पीड़ा थी, जो बेरोजगारी, जो भूखमरी, जो गरीबी, जो प्रशासनिक कमजोरी देखने को मिली, उस सारी चीजों से पब्लिक उब चुकी है, वापस एक परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जो गांव राजस्थान में चलना है और इस परिवर्तन में आपको भागीदार बनना है। कई सारे जो काम अपने सांचौर में सोच रखे हैं सांचौर की जनता के लिए, मैं मुंबई में काम करता हूँ, मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर है, हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में रहते हैं, राजनीति से हमारा भी ज्यादा कोई संपर्क है नहीं, आप लोगों ने प्यार से बुलाया तो आगे, आपकी तरह मैं भी प्रवास में रहता हूं तो मैं भी चिंता करता हूं कि मेरे सांचौर की बागडोर है, जो सांचौर की जिम्मेदारी है कि कम से कम ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो सांचौर की जिम्मेदारी को संभाल सके। आपने सुना होगा कि पंचायती राज सरपंच के भी इलेक्शन में कम से कम 8वीं पास का सरपंच बनने के लिए भी राजस्थान सरकार ने 8वीं पास की योग्यता रखी है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो अपने जो उम्मीदवार हैं, जो मुख्य विपक्षी पार्टी के हैं या निर्दलीय पार्टी के हैं, उनका आप क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, शायद अगर सरपंच का चुनाव होता तो वो चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं होते। किस तरह की विडंबना है कि जो आदमी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता, हालांकि सरपंच को ग्राम पंचायत में कोई नियम कानून बनाने की भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती है, उसको तो सिर्फ जो नियम पॉलिसी बनाई है उनको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी होती है। आपके नियम और जो नीतियां जो बनाते हैं वो विधानसभा में विधायक बैठ के विधेयक को बनाते हैं और वो बिल पास होता है तब जाके कानून बनते हैं, तो विधायक की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, उसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये अजीब विसंगति है कि विधायक के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रखी। अगर आपका जो विधायक है, अगर वो आपका पढ़ा लिखा विधायक नहीं होगा तो जो नीतियों का किस प्रकार से निर्माण करेगा, किस प्रकार के वो अधिकारी से लड़ पाएगा, किस प्रकार आपके अधिकारों की रक्षा कर पाएगा, किस प्रकार आपको शिक्षा के लिए प्रेरित कर पाएगा। विधायक आपका चेहरा होता है, विधायक आपके आपके क्षेत्र की शान होती है, विधायक का चाल चलन उठ बैठ भी उस हिसाब से होना चाहिए। जितने भी प्रतिनिधि, जितने भी विधायक के लिए खड़े हैं, आप सच्चे मन से उनका विश्लेषण करना, निजी जीवन में भी उसी तरह से।